हेलो बच्चों, मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कि एक डिजिट की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। ऐसे ही दो डिजिट्स की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, तीन डिजिट्स की, चार डिजिट्स की, पांच डिजिट्स की हम पढ़ चुके हैं, पर फिर भी कई बार आप कन्फ्यूज़ होकर क्वेश्चंस को गलत कर देते हो, तो एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं। हम सबको नंबर्स पता हैं, एक से लेकर सबको पता है 10 तक की काउंटिंग, फिर 10 से लेके सबको पता है 100 तक की काउंटिंग, फिर 100 से भी लेके पता है आपको, 100 से लेके आप इसको 1000 तक की काउंटिंग, ये सबको पता है। अच्छा, अब इसके अंदर 10 से पहले क्या आता है, सबको पता है 9 आता है, 100 से पहले क्या आएगा, सबको पता है 99 आता है, और 1000 से पहले क्या आता है 999, सबको पता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 1 से लेके 9 तक ये सिंगल नंबर है, सिंगल अंक है, डिजिट है, सिंगल नंबर, उसके बाद में दो डिजिट्स आ जाती हैं। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाता है कि एक डिजिट की, एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताओ, तो क्या होगी एक डिजिट की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या, और यहां सबसे बड़ी संख्या, हम जब नंबर्स काउंट करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तक एक ही डिजिट है, तो सबसे छोटी संख्या क्यों हुई जिससे हम शुरू कर रहे हैं, तो वो एक अंक की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। अब उसके बाद में सबसे बड़ी संख्या 9 होगी, 10 नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर दो अंक आ गए हैं, डबल डिजिट हो गई है, तो सिंगल डिजिट तो 9 ही है एक अंक, तो हमारे लिए इसके बाद में कोई अंक नहीं है सिंगल डिजिट में, तो 9 सबसे बड़ी है। 9 के बाद क्या आ गया, 10, 10 से दो अंक शुरू हो गए हैं, डबल डिजिट शुरू हो गई है, तो इसका मतलब शुरू जहाँ से होती है वो सबसे छोटी संख्या है, तो दो अंक की अगर सबसे छोटी संख्या पूछेंगे तो वो 10 होगी। और उसके बाद अगर हम देखते हैं 99 के बाद क्या आता है 100, तो यहाँ 1, 2, 3 तीन डिजिट्स हो गए, तो तीन डिजिट्स नई संख्या शुरू हो जाती है, तो डबल डिजिट 99 पे ख़त्म हो जाता है। तो जब 99 पे ख़त्म हो रहा है इसके बाद ये, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 99। इसी ढंग से जब हमें तीन अंकों की पूछी जाती है कौन सी संख्या है, तो अब यहाँ 100 से तीन अंक शुरू हो रहे हैं, तो जहाँ से शुरू हो उससे पहले डबल डिजिट है, तो हमें 100 लिखना पड़ेगा जहाँ से शुरुआत हो रही है, और ख़त्म कहाँ होती है 999 पे, उसके बाद 4 डिजिट्स शुरू हो जाती है, तो इसलिए इसको हम यहाँ लिखेंगे। इसी ढंग से हम देखते जाएंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार बनता जा रहा है, सेम पर एक एक जीरो ऐड हो रही है, तो 999 के बाद क्या आता है 1000 आता है, तो हमने यहाँ पर 1000 लिख दिया। और इसी चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, एक और 9 जोड़ देंगे इसके अंदर, तो हमें 9999 मिल जाएंगे। इसी ढंग से 5 अंक बनेंगे, इसी ढंग से 6 अंक बनेंगे, ये सबसे छोटी संख्या होती है जहाँ से शुरू होती है, और ये सबसे बड़ी संख्या होती है, उसके बाद नई डिजिट शुरू हो जाती है। इसके लिए मैंने आपके लिए एक टेबल बनाई है जो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, उसको देखते हुए और थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते हुए कुछ क्वेश्चंस दूंगी, उनको सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू।